उन्हेल नगर की जनता को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की सुविधा जल्द ही मिलेगी। जानिए कहां तक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की बनने की प्रक्रिया शुरू होगी, आइए जानते हैं। जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं क्षेत्रीय विधायक रामलाल मालवीय और सांसद अनिल फिरोजिया से। सबसे पहले सर, मैं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र उन्हेल को लेकर जो CM महोदय जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उसको घोषणा कर गए थे, उसके बारे में क्या प्रोग्रेस है सर? मैं संबंधित विभाग से, संबंधित शाखा से पता करके ये सारी कार्रवाई पूर्ण कर लूँगा। उन्हेल की जनता को बहुत दिनों से इंतजार है जिस चीज़ का, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बनने का, वो प्रक्रिया कहाँ तक चली सर? मैंने मन में बहुत प्रसन्नता थी कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने उन्हेल को तहसील का दर्जा देने की घोषणा की है। उन्हेल में सामुदायिक स्वास्थ्य बनाने के, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को बनाने की घोषणा की है। केंद्र को सामुदायिक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में परिवर्तन कर उन्नयन करने का जो प्रस्ताव दिया था, लेकिन कल ही मैंने उज्जैन के जिलाधीश माननीय कुमार पुरुषोत्तम जी से और हमारे जो CMHO है उज्जैन के, उनसे चर्चा की। उन्होंने बोला है ये काम शासन स्तर पर है और शासन स्तर पर अभी हमारे पास कोई जानकारी आई नहीं है। मैंने आज ही जो हमारे सचिव है स्वास्थ्य विभाग के, उनसे चर्चा की थी। उन्होंने बोला मंत्रालय में अभी मैं उसकी फाइल दिखवाता हूँ, मेरे पास उसकी जानकारी अभी नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि मतलब आने वाले समय में अगर सरकार कर दे तो ठीक, 3 महीने बाद कांग्रेस की सरकार बनेगी, हम लोग जरूर यहाँ इसको उप स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनवाने के लिए हम लोग प्रयास करेंगे। जिसका इंतजार वर्षों से उन्हेल की जनता को था, वर्षों से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का, वो कब तक चालू है? अभी हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करी है और उसके ऊपर तेज गति से काम भी चालू हो गया। बहुत जल्दी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र प्रारंभ होने आने वाले विधानसभा के चुनाव के पहले या बाद? देखो ये प्रक्रिया है, सरकारी प्रक्रिया है, हमारे प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जी ने कहा है और उसके ऊपर प्रोसेस चालू हो गया, क्योंकि उनकी घोषणा है और वो घोषणा में कलेक्टर ने उसको लिखा है, तो वो 101% आपका ये सामुदायिक केंद्र बन रहा है, क्योंकि चुनाव अभी 2 महीने बाद है। प्रक्रिया तो चालू हो गई ना, प्रोसेस चालू हो गई है, फिर तो बनता रहेगा, उससे गाइड मतलब आचार संहिता से कोई लेना देना नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ी सौगात है जो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री ने उन्हेल की जनता को दी है और उसके बाद उन्होंने एक और कहा कि उन्हेल को तहसील भी बना रहे हैं। उन्हेल से अनिल कपासिया की रिपोर्ट।